वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरीज विद एसआरजे। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम लोग त्रिंबकेश्वर आए थे और अभी हम जा रहे हैं नासिक। नासिक यहाँ से हार्डली 30 किलोमीटर से हम मॉर्निंग में ही त्रिंबकेश्वर से निकल गए हैं। अभी 10 बजे हैं और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हम डायरेक्टली नासिक जाके ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। नासिक मिसल के लिए बहुत फेमस है तो हम जा रहे हैं ग्रेप एम्बेसी, वहाँ की चटका मिसल ट्राई करने। सिटी की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, रोड के दोनों साइड पे कितने सारे ट्रीज है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये तो देखो रोड के बीच में है फिर भी उसे कट नहीं किया है, ग्रेट जॉब। तो अब हम ग्रेप एम्बेसी पहुँच गए हैं, ये गंगापुर रोड पे आता है और मेन रोड पे है, आपको साइन बोर्ड दिख जाएगा। तो अभी हम गाड़ी पार्क करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। सो अभी हम ग्रेप एम्बेसी आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी कार है, पार्किंग एकदम फुल है और यहाँ पे आते ही हमें बहुत अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पे सामने ये ट्रैक्टर राइड है, पीछे कैमल है, यहाँ पे बुलक कार है, मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट्स है एंड द बेस्ट पार्ट, ये हम ग्रेप के फार्म में बैठकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ये एक अलग ही कंसेप्ट है। संडे की वजह से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बाहर जो फैमिलीज आई है वो तो वेटिंग पे है, उन्हें टोकन दिए जा रहे हैं, हम दो थे तो हमें इजीली टेबल मिल गया था। ये हमारी ऑर्डर आ गई है। आज फादर्स डे है सो वो पापा वाले सॉन्ग्स ही प्ले कर रहे हैं। तो हमारी ऑर्डर आ गई है, हमने यहाँ पे जो जो मेन्यू में था वो सब मंगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे मिस्टर है, ताश, लस्सी एंड जलेबी। उन्होंने दो करीज दी है, ये स्पाइसी करी है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी इसीलिए शायद उसका नाम झटका मिसल है, देन ये मीडियम स्पाइसी वाली है, उसके बाद ये कर्ड है और जो मिसल में रहता है वो नॉर्मल फरसान और पाव है, एंड ये ड्राइड ग्रेप्स उन्होंने दी है। और हमने ऑर्डर किया है जलेबी और ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ उन्होंने दी है और ताक एंड लस्सी। ये एक बड़ा सा झूला है यहाँ पे एंड सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो।
हम स्पेशली यहाँ पे मिसल ट्राई करने आए थे और सच में मिसल का टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने जो भी चीज़ें खाई, मतलब लस्सी, ताक, जलेबी, सबका टेस्ट अच्छा था। कभी कभी कैसे होता है कि अभी ये फेमस प्लेस है, फेमस रेस्टोरेंट पे टेस्ट नहीं होता है उनका, लेकिन यहाँ पे सच में टेस्ट अच्छा है और रीजनेबल भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, बाय बाय।